मैं हूँ पूजा सिंह, किचन गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ परवल की भरवा सब्जी। बहुत ही टेस्टी होती है और काफ़ी बनाने में इजी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परवल लेंगे। परवल को इस प्रकार छील लेंगे, अच्छी तरह से इसकी ऊपर की जो परत होती है उसको छील लेने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा चिकना। फिर इसका ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद ये ले लेंगे जिसे हम पोटैटो या वेजिटेबल्स वगैरह छीलते हैं, उससे इसको सावधानी से धीरे धीरे स्कूप कर लेंगे। स्कूप करते हुए इसको अच्छे से इसमें होल हो जाएगा। ये देखिए, पहली बार आपको परेशानी होगी लेकिन काफ़ी इजीली हो जाता है। अंदर से इसके जितने भी बीज हैं वो सब निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। ये देखिए हमने मैंने होल कर लिया है अच्छी तरीके से, और मैंने सारे परवल को देखिए होल करके रखा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से हो जा सभी परवल को मैंने अच्छे तरीके से, इसके अंदर के सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने। परवल को फ्राई करने से पहले उसमें भरने वाला मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें ऑयल गरम कर दिया हमने, पंचफोरन डालेंगे। दो कटे हुए मीडियम साइज के प्याज इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो भी इसमें डालेंगे। थोड़ी देर प्याज को हम सुनहला होने तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम और भी मसाले और टमाटर ऐड करेंगे। प्याज हमारा अभी भून रहा है। प्याज हमारा हल्का भून गया है, अब इसमें हम एक बड़े साइज का टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक। मसाला हमारा भून रहा है, 3 मिनट तक इसको अच्छे से भुनेंगे। प्याज और टमाटर भुन गए हैं, अब इसमें हम एक बॉयल आलू भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। मैंने इसमें एक आलू डाल दिया बॉयल। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इसमें डालेंगे। अच्छी तरीके से भून लेंगे, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा। फिलिंग रेडी हो गई है, देखिए पैन से अलग होने लग गई है, इकट्ठा होने लग गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले तैयार हो गए हैं फिलिंग वाले, अब हम इसको परवल के अंदर भर लेंगे। जब तक हम परवल में मसाले भरेंगे तब तक हमने पैन रख दिया है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए भी रख दिया है। अब मसालों को हम भरेंगे।
परवल के अंदर। सभी मसालों को सावधानी से इसके अंदर भर लेंगे। कोई नाइफ की सहायता से आप इसे मसालों को अंदर करते जाएं। इस प्रकार से सभी मसाले इसमें भर लेंगे। आप हाथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे सभी मसालों को इसके अंदर फिल कर लें। ये देखिए इस प्रकार से सभी परवल को हम भर लेते हैं। परवल में हमने सभी मिश्रण को भर लिया है, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें हम इसको डाल देंगे एक एक करके। चला देंगे और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। सभी परवल को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। परवल हमारे फ्राई हो गए हैं, सभी साइड से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी परवल को इस प्रकार निकाल लेंगे। परवल फ्राई हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए हम मिक्सी जार लेंगे। एक बड़ी साइज की प्याज है हमने काट लिया है, एक लहसुन है बड़ा पूरा गांठ है और 1 इंच अदरक के टुकड़े हैं, सब इसमें डाल लेते हैं। एक टमाटर भी है उसको भी इसमें डाल लेंगे। इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे पैन में डालेंगे। पैन में ऑयल पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अब सभी पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक। सभी मसालों को हम थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। एक उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें सभी परवल को डाल देंगे। हमने डाल दिया सभी परवल को, अब इसको हम ढक देंगे। कवर करने के बाद गैस को सिम करके थोड़ी देर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं
हमारी भरवा परवल की सब्जी रेडी है या नहीं? सब्जी तो हमारी रेडी हो गई है, इसे चेक कर लेते हैं एक नाइफ की सहायता से। हम इसको अच्छे से पक गई है परवल। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। भरवा परवल की सब्जी रेडी हो गई है, अब इसमें हम धनिए के पत्ते से गार्निश कर देंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।